सो अभी अभी चंगेज़ के ना हिंदी के ट्रेलर को रिलीज़ करा गया। ट्रेलर को देखने के बाद ना मेरे को ना कुछ प्लस पॉइंट भी दिखाई दिए, इसके साथ साथ कुछ बड़े बड़े नेगेटिव पॉइंट भी दिखाई दिए। ये दोनों चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आगे। तो पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी लोगों को डाउट था कि ये फिल्म केजीएफ की कॉपी है या फिर केजीएफ की कॉपी नहीं है, जब ये फिल्म का टीजर रिलीज करा गया हुआ था ना, इसके अलावा जब भी वीडा सॉन्ग आया हुआ था, ये दोनों चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ऐसे सीन्स ये फिल्म में हम सबको देखने को मिलने वाले हैं जो केजीएफ से मिलते जुलते होंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इस फिल्म के मेकर्स कहीं केजीएफ से मिलते जुलते स्टोरी को ना लेके आ जाए। अगर ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती ना, फिर तो ये फिल्म हिंदी मार्केट में नहीं चलती। बट ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि केजीएफ से भाई ये फिल्म की स्टोरी मिलती जुलती नहीं है। हाँ, कुछ एक सीन्स हैं जो मिलते जुलते हैं, बट स्टोरी दोनों के बहुत ज़्यादा डिफर है। ये चीज़ें भाई थोड़ा ना अभी राहत दे रही है मेरे को। चलो फिर एक एक चीज़ पर हम बात करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को प्रॉपर तुम लोग लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक जो भी वाला चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ मेरा भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। सो बैक टू पॉइंट, आते हैं चंगेज के हिंदी वाला ट्रेलर पे। ट्रेलर देखने के बाद मेरे को सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये लगा है ना, ये फिल्म का स्टोरी जो कॉन्सेप्ट पे ये फिल्म को बनाया गया है, ये बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट मेरे वे से ऐसा लग रही है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे ना, ये सब्जेक्ट पे ना, बहुत ऐसे फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है। ये फिल्म का स्टोरी फॉलो करने वाली है एक ऐसे इंसान को जो पहले गुंडा होता है, देन उसके बाद फिर वो अच्छा इंसान बन जाता है, फिर उसको लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं जिसकी वजह से फिर से वो गलत रास्ते पर निकल जाता है। यही ये फिल्म का स्टोरी होने वाली है। ट्रेलर देखने के बाद तो यही पता चल रहा है। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, ये फिल्म के ट्रेलर में ना बहुत ऐसे चीज़ों को ना भाई दिखा दिया गया, मतलब लगभग ना स्टोरी पता चल रही है ट्रेलर को देखने के बाद। तो ये दो चीज़ें मेरे को बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा ये फिल्म का, इनफैक्ट ये ट्रेलर का। तो यहाँ जो भी जीत बाबा को फैंस लोग होंगे या फिर जो चंगेज के फैंस लोग होंगे, वो लोग थोड़ा सैड हो गए होंगे। बट इसके साथ साथ ना एक प्लस पॉइंट ये भी है, देखो ट्रेलर में इन लोगों ने स्टोरी दिखा दिया है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, जो सब्जेक्ट पर यह फिल्म को बनाई गई है, ऐसे सब्जेक्ट पर हम सबने ऑलरेडी बहुत सारे फिल्मों को देखा है। बट मजे की बात यह है ना, ये स्टोरी को लिखा है नीरज पांडे ने, और ये नीरज पांडे का नाम जैसे ही इस फिल्म के साथ जुड़ जाता है, ये स्टोरी के साथ जुड़ जाता है, तो ऐसा अंदर से ना उम्मीद जगना स्टार्ट हो जाता है कि कुछ ना कुछ हम सबको नया चीज़ें तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि नीरज पांडे अगर कोई फिल्म के स्टोरी को लिख रहे हैं ना, तो काफ़ी इंगेजिंग तरीका से लिखते हैं। बाकी जब ये फिल्म आएगा, ईद पे ये फिल्म आने वाली है, उस दिन तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट भाई भर भर के, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये एक बंगाली फिल्म होते हुए भी इसे हिंदी में रिलीज़ किया जा रहा है। सीरियसली यार, ये चीज़ें इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ जितने भी नॉर्थ साइड के लोग हैं, जो लोग हिंदी को बोलते हैं समझते हैं, वो लोग से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो भाई यहाँ मेकर्स ने तो अपना हिम्मत दिखा के इस फिल्म को हिंदी में रिलीज़ कर रहे हैं, बट यहाँ ना अब हम लोग का फर्ज बनता है यार कि ये फिल्म को ना मिल के सपोर्ट करने का, समझ रहे हो ना, मिल के भाई सपोर्ट करके इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने का, ताकि आने वाला टाइम में और भी बहुत ऐसे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से ना हिंदी में फिल्में रिलीज़ हो, इनफैक्ट पैन इंडिया स्केल पे फिल्में रिलीज़ हो। मैं यही चीज़ चाहता हूँ यार, क्योंकि अगर हम ऐसे फिल्मों को सपोर्ट करेंगे ना, तो और ही बहुत ऐसे रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से लोग अंदर ना थोड़ा हिम्मत आएगा, जब चंगेज कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अगर हम जीत सर की बात करें, जीत सर पूरे के पूरे फिल्म के ट्रेलर में छाए हुए हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं यार, क्या डायलॉग डिलीवरी है भाई इनका। इससे ही मजे की बात है, इस फिल्म में इन्होंने अपना हिंदी में खुद वॉइस दिया हुआ है, इसकी डायलॉग राइटिंग में काफ़ी अच्छा करा गया हुआ। इसके अलावा इसके पीछे के जो बीजीएम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही लगे हैं। सबसे बड़ा चीज़, ये फिल्म में बहुत ऐसे बॉलीवुड के एक्टर लोग भी हम सबको देखने को मिलने वाले हैं, और इसके साथ साथ ये फिल्म के ट्रेलर में जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला है भाई, ये सिटी मार वाले एक्शन सीक्वेंस है, खासकर वो जो नाइफ वाला, जो चक्कू वाला जो एक्शन सीक्वेंस है, काफ़ी अच्छे लगे हैं। और वो गन वाला जिस तरीका से वो लेके आते हैं रॉकी भाई के स्टाइल में, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है भाई ट्रेलर को देखने के बाद कि ये फिल्म ना किसी के भाई किसी के जान को ना काफ़ी तगड़ा वाला टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। अगर अच्छा तरीका से ये कॉन्सेप्ट को डायरेक्टर ने प्रेजेंट कर दिया होगा, फिर तो भाई किसी के भाई किसी के जान के लिए ये फिल्म खतरा बनते हुए दिखाई दे रही है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग इस पर क्या कहना है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर, और हाँ तुम सबको ये फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको ज़रा भी पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ मेरा भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।